ख्वाजा गरीब नवाज के सालाना उर्स के मौके पर आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से दरगाह में चादर पेश की गई। इस अवसर पर अजमेर संभाग के प्रभारी उमेश सिंह केजरीवाल की चादर को लेकर अजमेर पहुंचे। हालांकि अजमेर में कार्यकर्ताओं की इस बारे में जानकारी नहीं होने के चलते एक बार फिर से आप पार्टी के कार्यकर्ताओं में फूट का नजारा देखने को मिला। इस चादर को अजमेर संभाग के प्रभारी अधिकारी उमेश सिंह लेकर पहुंचे थे, लेकिन अजमेर उत्तर और अजमेर दक्षिण के जो प्रभारी अधिकारी बनाए गए हैं और कार्यकर्ता यहां पर जो आप पार्टी से जुड़े हैं उनको इस चादर के बारे में जानकारी नहीं थी, जिसके चलते आप पार्टी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की यह चादर महज एक औपचारिकता बन के रह गई। आज दिल्ली सरकार की तरफ से और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से यहाँ पर चादर और अकीदत के फूल चढ़ाए गए। दोनों तरफ से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, सांसद संजय सिंह जी, गोपाल राय जी, इमरान हुसैन जी, विधायक दिलीप पांडे जी की तरफ से जो दिल्ली में अशांति है उसमें शांति और अमन चैन की दुआ की गई है। पूरे देश के विकास और अमन चैन के लिए दुआ की गई है। हमारे उर्स कमेटी के चेयरमैन दिल्ली के जनाब जाकिर हुसैन खान के नेतृत्व में 20 सदस्यीय टीम यहां पर चादर लेकर के आई थी। दिल्ली से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, आज दिल्ली से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार की चादर, ख्वाजा साहब जो सरकार है इनके चादर पेश हुई है, और वहां से जो अनिल बेजल साहब है गवर्नर उनकी तरफ से चादर है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से चादर है, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी की तरफ से चादर है, राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी की तरफ से चादर है, राष्ट्रीय प्रवक्ता और दिल्ली में तिमारपुर के विधायक भाई दिलीप पांडे जी की तरफ से चादर है, प्रदेश अध्यक्ष गोपाल राय जी, वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं गोपाल राय जी, उनकी तरफ से चादर है, हमारे जनाब उर्स कमेटी के चेयरमैन दिल्ली सरकार में जाकिर साहब उनकी चादर है, इमरान हुसैन साहब जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं खाद्य आपूर्ति मंत्री उनकी चादर है, और तमाम सारे कैबिनेट्स की चादर है। उन्होंने संदेश भेजा है कि ख्वाजा साहब से दरख्वास्त करें कि जो भी दिल्ली में